नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे और हम कल 16 अक्टूबर 2019 से एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए थे, यानी कि आज दूसरा दिन है। ठीक है, दूसरा दिन का टेस्ट है और दूसरा दिन का टेस्ट संप्रेषण से संबंधित है दोस्तों, संप्रेषण से। ठीक है, संप्रेषण से संबंधित है। तो हमने रोचक प्रश्न आप लोगों को देंगे और उसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और हम अगले दिन उसका हम आंसर बताएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक मांग थी कि सर इसी तरह के टेस्ट सीरीज चलाइए ताकि हम जो है प्रैक्टिस कर सकें और अगले दिन का इंतजार रहेगा कि इसका सही आंसर कितना होगा। आइए देखते हैं, कल यानी कि 16 अक्टूबर 2019 को जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है। देखिए, ये जो हमने टाइप किया था इसको हम बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार। श्री एक्स प्रातः अपने कार्यालय में आने पर अपनी आई हुई मेल को लिखित संप्रेषण, ये लगभग 100% लोगों का जो है सही हुआ है। 100% लोगों का है अपने आई हुई मेल पढ़ते हैं, अपनी मेल को छाड़ते समय उन्हें अनेक पैम्पलेट दिखाई पड़ते हैं जिन्हें विभिन्न व्यापारिक मशीनों, ठीक है, इसमें जो है 80% लोगों का जो है सही आंसर हुआ है। चित्रात्मक संप्रेषण के गुंजों का वर्णन करने के लिए बनाया गया है। खुले विंडो के जरिए रेडियो की धुंधली आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें एक उद्घोषक टूथपेस्ट के ब्रांड की गुणवत्ता की स्पष्ट रूप उसकी कमरे में आने पर वह प्रातः नमस्कार करती है जिसे वह मित्रवत अपना सिर हिलाकर स्वीकार करता है। तो ये जो है 100% लोगों का जो है सही आंसर हुआ है। जबकि वह व्यापारिक सहयोगी के साथ टेलीफोन, ये भी जो है मौखिक संप्रेषण होगा, ये भी 100% लोगों का जो है सही आंसर हुआ है। वार्तालाप भी कर रहा है, प्रातः के बाद अपने सचिव को अनेक पत्रों की डिक्टेशन देने के उपरांत वह समिति बैठक, ये 90% लोगों का जो है गलत हुआ है, गलत। ठीक है, जिसमें वह अपने सहयोगों की सलाह लेता है। एक जनसंचार, ये जो है 80% लोगों का जो है सही हुआ है। फर्म की नीतियों पर उनके प्रभाव पर चर्चा की जाती है बैठक में। बाद में वार्षिक बोनस, ये यहाँ पर जन और सामूहिक संप्रेषण से संबंधित फर्म के कर्मचारियों के एक संकल्प पर विचार किया जाता है। दोस्तों ये भी जो है 20% लोगों का सही हुआ है। ठीक है, मैंने जो है आंसर देखा हुआ है, आप लोगों का सही टिक भी देखा हुआ है। मुझे लगता है कि आप इसको पॉज करके इसको एक बार पढ़िए, इसको विचार कीजिए क्या सही आंसर यहाँ पर था, उस पर जो है चिंतन करके आप अपना नोट्स बना लीजिए। दोस्तों आज का 9 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। ज्यादा समय हम इधर उधर लेने के बजाय, कहने के बजाय हम सीधे प्रश्न में आते हैं। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? ध्यान दीजिएगा, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, द्विकी संप्रेषण, आभासी यथार्थ संप्रेषण, सही आंसर दीजिएगा। दूसरा है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण का उदाहरण है रेखी संप्रेषण का, अरेखी संप्रेषण का, यांत्रिक संप्रेषण का या वर्तुल संप्रेषण का? क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। ठीक है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप जो है इसको पढ़ते रहिए और इसको समझते जाइए और आंसर देते जाइएगा। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक या चयनात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्तुल संप्रेषण में सकुटक, कुटभंजक
हो जाता है जब वहां होता है। एक वर्तुल संप्रेषण में सकुटक कुटभंजक हो जाता है जब वहां होता है शोर, स्रोत समूह, आलोचनात्मकता या फीडबैक। आपको सही आंसर इसका देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या कहते हैं, आप किसे इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कहां कहते हैं, आप इसे कब कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण पहला है जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, जब बोलने व सुनने वाले की योग्यता समान होती है, जब संदेश स्रोत उच्च तकनीकी वाला हो, या डी जब वक्ता को विषय का अच्छा ज्ञान हो। तो 7वां का सही आंसर क्या है। अब 8वां देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है, दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्थान, दोषपूर्ण भाव भंगिमा, ठीक है, कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हमने लिया है, जगह नहीं होने के कारण नहीं लिया। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल यानी कि पैरामीटर है, प्राचल मतलब पैरामीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल पैरामीटर है, अवरोध मुक्त संप्रेषण, सरल भाषा, आमने सामने का संपर्क या पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक। क्या सही है आपको बताना है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप लोगों से वादा भी करता हूं कि इसी तरह का मैंने वीडियो लाऊंगा, यदि आप हमारे साथ देंगे तो, आपको इंटरेस्टेड हो तो, आप इंटरेस्टेड हो तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो हम भी जो है बंद कर देंगे, इसके बदले में कोई नया वीडियो डालेंगे और फिर हमारा काम जो है यही हो जाएगा कि सर देखो आपने डाला नहीं। तो इसलिए जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इसमें कमी है, क्या बेहतर होगा, ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों मैं यही विदाई लेता हूं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, रात्रि 8 बजे का आप लाइव क्लास देख सकते हैं, वो भी फ्री एंड कॉस्ट, कोई फीस नहीं लिया जाता भाई, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसे शेयर भी करें। थैंक यू।